अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्रामी टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामी टर्म ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या है, इनकी वर्किंग किस तरह है, चले आए आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ को वन इंक्रीज़ करते हैं। मतलब कि कोई वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें वन इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो साइन यूज़ होता है डबल प्लस का यूज़ होता है, और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो अप्लाई होते हैं सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई हो सकते हैं, करैक्टर पे भी अप्लाई हो सकते हैं। करैक्टर पे क्यों अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि करैक्टर के बैक एंड पे इंटीजर वैल्यू होती है और इंटीजर में इंक्रीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है फ्लोट और डबल पे अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू नहीं होती है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो टू टाइप्स हैं या टू मेथड कह सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने के दो तरीके हैं। कौन से हैं, फर्स्ट पे हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सेकंड है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोनों की वर्किंग जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों ही एक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। वर्किंग इनकी कैसे डिफरेंस है इनको देखते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस का साइन जो है वो यूज़ होता है बिफोर वेरिएबल नेम से। मतलब ये है कि पहले हम डबल प्लस लगाएंगे उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, पहले वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेगा, उसकी वैल्यू को वन इंक्रीज करेगा, फिर उसे दोबारा असाइन कर देगा वेरिएबल को। सिंटैक्स क्या है हमारे पास, डबल प्लस वेरिएबल नेम, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी और वेरिएबल में अगर हमने स्टोर करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल में पहले प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर वो वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल इधर ए था, ए की वैल्यू में इंक्रीज हुई, वन इंक्रीज हुआ और वो असाइन हो गई वेरिएबल टू को, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास एंड ए 5 है और बी 3 है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ए की वैल्यू में पहले वन इंक्रीज होगा, 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू 6 होगी, फिर दोबारा ए को असाइन हो जाएगी, ए की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। किसी इंटीजर में हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल में जिसकी वैल्यू इंटीजर होगी उसमें इंक्रीमेंट होगा। ये वर्किंग भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंदर हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म होके किसी एक में रिजल्ट स्टोर होगा, उसके बाद जो वेरिएबल जिसमें डेटा स्टोर होगा उसमें इंक्रीमेंट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज साथ ही ऑपरेशन और साथ ही इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारे पास है एंड सी, सी में हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस प्लस, ये वैलिड है, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 6 थी, 6 से अब हमारे पास पहले इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, 7 होगी, अब ए की वैल्यू हो गई 7, ये इंक्रीज होने के बाद ए में सी में सेव हो जाएगी, ठीक है। और ये इनवैलिड क्यों है कि हमने कहा था इंटीजर में इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा उसमें भी इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। अब है हमारे पास कोड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। इसमें हमारे पास है तीन वेरिएबल ए बी और सी, ए की वैल्यू है हमारे पास 5, सी की वैल्यू है हमारे पास 9। इधर हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू में इंक्रीज होगी, 1 इंक्रीज होगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। पहले इसमें 1 इंक्रीज होगा, प्लस प्लस का मतलब क्या है, ए की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर दो, एक वैल्यू 6 हो जाएगी और इसके बाद असाइन होगी बी को, तो बी के पास अब क्या वैल्यू चली गई, 6। और इधर हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, फिर हमारे पास वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू थी 9, अब हो जाएगी 10, ठीक है। प्रिंट एफ पे जाएंगे तो हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हुई थी, 6, बी की वैल्यू भी 6 आएगी, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10। इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास यही वैल्यू आती है। जी व्यूवर्स, ये वही कोड है जो आपको हमने स्लाइड में समझाया था, जिसमें हमारे पास तीन वेरिएबल थे इन टाइप के ए बी और सी, ए की वैल्यू 5 थी और सी की वैल्यू 9। तो हमने कहा था कि हमारे पास प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट करना फिर बाद में इसे वैल्यू असाइन करना। तो ए की वैल्यू 5 थी, इसमें पहले इंक्रीमेंट करेगा, इसे 1 का इंक्रीमेंट करके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 6 जब हो जाएगी फिर ये ए को असाइन हो जाएगी, और ए अपनी वैल्यू किसको दे रहा है, बी को, और बी की वैल्यू भी 6 है और ए की वैल्यू भी 6 है।
नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो प्रीफिक्स है हमारे पास, प्रीफिक्स में हमारे पास क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू क्या है 9, पहले 10 होगी फिर सी को असाइन हो जाएगी। और इधर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ करवा रहे हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। और ये ए और हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी 6 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। इस कोड को रन करके देखते हैं क्या हमारे पास यही वैल्यू आती है। तो ये देखिए ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 6 है और सी हमारे पास क्या है 10। तो प्रीफिक्स ऑपरेटर्स को हमने देख लिया कि किस तरह काम करते हैं। अब वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में भी हमारे पास डबल प्लस का साइन यूज होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है सेकंड ऑप्शन, कि हमारे पास इधर क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन करता है बाद में इसमें इंक्रीमेंट करता है। प्रीफिक्स में क्या था, पहले इंक्रीमेंट होता था बाद में वैल्यू असाइन होती थी, इसमें उसके उलट काम होगा, पहले वैल्यूज असाइन होगी बाद में इसमें इंक्रीमेंट होगा। सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स में हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल के नेम के बाद हमारे पास डबल प्लस का साइन आता है, जबकि हमारे पास प्रीफिक्स में क्या आता था, प्लस पहले आते थे और वेरिएबल का नेम बाद में आता था। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी और वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करनी है उसका नाम आएगा इक्वल के बाद, हमारे पास वो वेरिएबल आएगा जिस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है पोस्ट फिक्स का, तो उसका नाम, फिर उसके बाद हमारे पास इसका साइन आएगा पोस्ट फिक्स का, जिसके लिए कौन से साइन यूज होते हैं डबल प्लस का। ठीक है, फिर हमारे पास एग्जांपल है, ए की वैल्यू हमारे पास है 5, बी की वैल्यू है 3, ए हमारे पास इक्वल ए प्लस प्लस। हमने क्या कहा था, सबसे पहले वेरिएबल का नाम आएगा उसके बाद हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के साइन आएगा। तो साइन हमारे पास डबल प्लस का है तो ये वैलिड है और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हमारे पास ए की वैल्यू 5 ही रहेगी, इस लाइन में हमारे पास ए की वैल्यू 5 ही रहेगी, जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे तब हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। ठीक है, अगर जिधर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उधर वैल्यू प्रिंट करवाएं तो हमारे पास ए की वैल्यू वही रहेगी, जब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास इंट सी है, सी इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या असाइन होगी इसे, अब 5 असाइन हो जाएगी, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, हमारे पास कोड है पोस्टफिक्स का, पोस्टफिक्स में भी हमारे पास वही वेरिएबल है ए बी और सी, वही कोड है। और अब हम क्या करेंगे, पहले प्रीफिक्स ऑपरेटर अप्लाई करके देखे थे, अब प्रीफिक्स के बाद हम क्या करेंगे पोस्टफिक्स ऑपरेटर अप्लाई करके देखेंगे। तो b इक्वल टू a की वैल्यू से साइन होगी पहले, तो इसको क्या असाइन हो जाएगा, b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 इससे असाइन होगी, फिर a की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। जब हम इस लाइन पे आएंगे तो a की वैल्यू तब चेंज होगी, a की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, कैसे होगा, जब हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, c की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू क्या आएगी 5 और सी की वैल्यू हमारे पास 10 आएगी। तो इस कोड को भी डेव पे रन करके देखते हैं, इस कोड को चेंज कर लेते हैं, ये वही कोड है सिंपल, इस पे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इसको पोस्ट फिक्स में चेंज कर लेते हैं, इसको रन करते हैं, तो ये देखिए ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 10। अब आपको समझ आ गया होगा कि उसी लाइन पे वैल्यूज असाइन हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे जब जाते हैं तो तब इसकी वैल्यू में चेंज आता है। अगर इसी लाइन पे हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा था और इसी में हम प्रिंट करवाते हैं तो ए की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, हमने क्या कहा था, पहले वैल्यूज असाइन होती है बाद में इंक्रीमेंट होता है, इसीलिए हमारे पास जब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तब हमारे पास वैल्यू चेंज होगी। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक वेट कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।